हर तरीके से मर चुका हूँ, तो अब मुझे मरने का तरीका बताओ कि कैसे मरना है। तो एक सीरियल में कहने की कोई बात नहीं, इस तब आपके सर पे गमला गिरेगा। मेरे का दैट्स डिफरेंट। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मुकनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज हमारे साथ कौन है गपशप में? अगर आपको याद हो मतीन साहब फ्रॉम मेरे पास तुम हो, और सुनो चंदा में आई थिंक आगा जान थे वो, और रसवाई में एक बहुत ही इमोशनल फादर, और फिर समाद में अनाया के फादर के फादर बन के उन्होंने हमारे दिल जीत लिए। जी मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अहमद साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। ना निकालता तो फिर शामत आती मेरी, मैंने कहा निकाल ली। नहीं नहीं शामत तो नहीं आती, बट हमें दुख होता है कि बहुत डर लगता है तुम लोगों से। सीरियसली? हां क्यों डर लगता है? कुछ भी कह सकते हो। नहीं और क्या, आजकल तो सोशल मीडिया भैया बड़ी खतरनाक चीज है। ये तो मगर ये कि मैंने देखे हैं तुम्हारे रिव्यूज, देखे हैं तुम्हारे, मैंने अलवी के साथ करती थी वो भी देखा है मैंने। तुम बड़ी कोशिश करती थी कि हाथ हल्का रखो, मगर फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात होती थी कि हमारी रूह कांप जाती थी कि अलविया जब हम कुछ कर रहे होंगे और उसके साथ ये ऐसा हो रहा होगा तो फिर क्या होगा। तो मगर ये कि मुझे तुम्हारे मजा आता था इसलिए मैं चलें। शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई और मैं बड़ा ऑनर फील कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा। बट आपको लगता था कि जस्टिफाइड बातें कर रहे हैं हम, या आपको लग रहा है हम क्रिटिक तंज या क्रिटिक फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइज? नहीं, मुझे कभी ये नहीं लगा कि तुम किसी बोगस की वजह से या किसी और वजह से किसी बात की बुराई कर रही हो या किसी के काम की बुराई कर रही हो। मुझे लगा था कि जितनी बातें तुमने कभी की उनमें हकीकत थी। ओके। और जितनी और बड़ा पॉजिटिवली करती थी, तुम्हारा मकसद किसी को बेइज्जत करना नहीं मुझे लगा। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। और मैं ये अभी अपॉर्चुनिटी एंड पे कहना चाहूँगी, इसका हमारे जितना भी हम बोलते हैं उसका प्योर मकसद ये होता है कि हमारी जो बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं उनको और खूबसूरत और बेस्ट बनाया जाए। सिर्फ ये खूबसूरती में मुझे बहुत एतराज है कि बहुत खूबसूरत चीज़ें जो बन रही हैं। मैं सिर्फ डिप्लोमेटिक रास्ता लेके चल रही हूँ। हाँ वही वाली बात, मैंने कहा हाथ हल्का रखने की कोशिश कर रही हूँ, वरना ये है कि हर चीज़ खूबसूरत नहीं बन रही बल्कि बदसूरती के करीब करीब बन रही है। हम तो उसके भी हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा रुख दूसरा दिखाएं, ऑप्शंस दें। अब मैंने शुरू किया कि थोड़े से आइडियाज़ देने शुरू कर दिए, नॉट डेट कि मैं कह रही हूँ कि मैं कोई बहुत वो हूँ, बट मुझे लगता है एक थोड़ी सी हम आइडियाज़ दें, फिर हम ऑडियंस को भी बोलते हैं कि आप कमेंट से बताएं कि आइडियाज़ किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मगर एक चीज़ जो बन चुकी है, क्योंकि पूरा बनने के बाद होने आ जाता है, उसके बारे में अगर आप कोई ऑप्शन देते हैं, कोई मशवरे देते हैं तो बेकार है, क्योंकि वो तो चीज़ बन चुकी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे जी फाइव पे भी वेब सीरीज़ आई हैं, तो आई फेल्ट मेरा ये अपना मेरा हम्बल ओपिनियन था कि मुझे लगा कि पाकिस्तान की कुछ चीज़ें उस समय रिप्रेजेंट और मुसलमानों की नहीं हुई जितना हो सकती थी दो वेब सीरीज़ में, और ये मैंने रिव्यू में बोले भी हैं दोनों में, एक झूठी लव स्टोरी और चुड़ैल्स दोनों में। सो और मैंने बोला है अगर मेरी कोई बात सुन रहा है नेक्स्ट तीन, मुझे पता है वेब सीरीज़ उनकी एडिटिंग अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम एडिट में कर सकते हैं, तो आई हैव रिक्वेस्टेड देम कि प्लीज़ डू दिस, ताकि बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्टेंट, सो हमारा कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर, हम मुसलमानों की कुछ चीज़ें, अजान, नमाज, कुछ थोड़ा सा झलक आनी चाहिए ना। अगर हमें पता है करवा चौथ क्या है, अगर हमें पता है कि होली में क्या क्या होता है, तो फिर हमें मुसलमानों की भी कुछ चीज़ें पॉजिटिवली वो करनी चाहिए। तो ये मकसद है। खैर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, आपसे बात करते हैं। हाँ जी बताइए, वो कैरेक्टर जो दिल के करीब तरीन हो आपके, कौन सा है? नहीं बोल सकते, कोई नहीं है लाइन में। मुझे सारे कैरेक्टर्स तकरीबन एक ही जैसे मिले, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी में फ़र्क महसूस नहीं कर पाता। अच्छा। सिवाय मतीन साहब के। मतीन साहब चूँकि एक तो जब मुझे वो कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो मुझे यही बताया गया था उसके बारे में, कोई मुझे नदीम बेग ने वो मेरे ख्याल में वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि बहुत पहले से बता दो तो आदमी अपना बना लेता है और फिर आप उसको डायरेक्टर उसको तोड़ नहीं पाता। और तो नदीम ने मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बताया था सिवाय इसके कि मैं हुमायूं सईद के ऑफिस में काम करता हूँ, मुख्तसर सा कैरेक्टर है। ओके। और मैं पहुँचा और तो कहीं से भी नहीं था, और मैंने उसको किया भी ऐसे ही था कि वो मुख्तसर सा एक रोल है, आके चला जाएगा। लेकिन यहाँ मैं वो बात कहूँगा जिस पर शायद कुछ लोग बड़े खफा होंगे, मगर खलील साहब का जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो फिर आप एक अजीब दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि लफ्ज़ों का जो वज़न खलील साहब करते हैं वो कोई और राइटर नहीं कर सकता। जिस तरह से खलील साहब लिखते हैं, मैंने मेरा तो पहला इत्तेफाक हुआ था और मेरी जुर्रत नहीं हुई थी कि मैं उसका कोई एक लफ्ज़ भी इधर से उधर कर पाऊँ।
नहीं, इस खौफ से नहीं. अच्छा. वो इतना खूबसूरत लिखते हैं कि वो एक पोइट्री होती है जैसे आप जब करते हैं, तो फिर हाँ आपका दिल नहीं चाहता कि आप इसके साथ कोई बेईमानी करें, कोई लफ्ज़ इधर कर दें या उधर कर दें. और उनके डायलॉग्स में इतनी गुंजाइश होती है कि अगर एक्टर उसको ठीक से समझ लेता है तो उसे अदाकारी करने में मुश्किल नहीं आती. ठीक है, यहाँ मैं फिर वाजे कर दूँ कि मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ. जी. उसके बाद अगर आप कहें कि आगा जान था जो लोगों को बहुत पसंद आया, मेरे ख्याल में वो तो फिर वही बात थी कि एक बहुत मोहब्बत करने वाला आदमी है जो घर में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है शायद. तो ऐसे लोग पसंद आ ही जाते हैं आवाम को. अच्छा, जब मैं आप रिसर्च करी थी मुझे पता चला आपने रामचंद पाकिस्तानी, उसके बाद आपने आज़र की आएगी बारात, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज क्योंकि पता नहीं है ये इंफॉर्मेशन इतनी कॉमन नहीं है कि आपका नाम है इन सब मशहूर चीज़ों के पीछे. अच्छा, फिर आप ये भी कह रहे थे जब मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी कि केक आपको लगता है कि लोग आपको केक के बाद पहचाना शुरू. मेरी आपकी पता है सबसे पहली मेमोरी कौन सी है? दुरे शहवार. आई लव्ड दुरे शहवार एंड द लेटर्स. आई कैन नॉट टेल यू. आई थिंक वो जो खत थे और जिस तरीके से, क्योंकि सिर्फ देखिए लिखा हुआ एक चीज़ होती है, परफॉर्म जिस तरीके से आपने किया, वो बाप का जो कैरेक्टर था मेरे ख्याल में वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है. वो खत जो थे वो मैं कितनी बार सुनते थे, हम लोग डिस्कशंस होती थी और अभी मैं बहुत जगहों पे हम पोस्ट निकालते हैं इंस्टाग्राम पे और उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बातें की थी. तो मुझे वो आप वहाँ से याद हैं. मुझे केक नहीं, मेरे लिए वो आपकी मेमोरी है. यूँ है कि मैं बताऊँ, एज एन एक्टर तो शायद मुझे लगता है कि मुझे हकीकतन कुछ भी नहीं आता. मैं सारे किरदार एक ही तरीके से बोल के एक ही तरह से आंसू बहा के रो पिला के कर देता हूँ. लेकिन उमैरा का दुर्रे शहवार की जब मैं बात करता हूँ, तो उमैरा ने जो लेटर्स लिखे हैं तो वो ख़त तो कोई और लिख ही नहीं सकता. वो कोई एक ऐसी ही औरत लिख सकती थी जो बहुत अक्लमंद हो और जिसे बहुत कमांड हासिल हो जज्बों पर. तो वो लेटर्स की वजह है जो लोग मुझे, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो सरासर स्क्रिप्ट का कमाल है. आप मॉडर्स्ट हो रहे हैं, द वे यू सेड इट, जितना जज्बा और वो हर एक लाइन में टोन उस तरह की देना, क्योंकि वो कहीं भी बेटी को डांट नहीं रहा होता है, वो बेटी को बड़ा एज अ दोस्त, एज अ बाप नसीहत और दोस्ती का एक पॉजिटिविटी होप देने की कोशिश कर रहा होता है. आई थिंक कमाल आपको भी ये बात फिर मेरा की आपने कि उन्होंने लिखा इतना पॉजिटिवली. मोहम्मद अहमद साहब मुझे उनको तारीफ नहीं करने देंगे. नहीं, क्योंकि हकीकत है, जहाँ तुम मेरी तारीफ करोगी मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ सही है, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने किया. तो मुझे लगता है आपके फादर्स के कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं. सब बात में आप एक डिफरेंट तरीके के बाप थे और रसवाई में एक डिफरेंट तरीके के बाप थे. सो मतीन साहब तो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर, आगा जान भी डिफरेंट हैं. तो मुझे लगता है कि अब जैसे दुल्हन में आपने किया है, एंड आई वाज वेरी, मैंने रिव्यू में बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें आपने गेटअप भी बिल्कुल डिफरेंट रखा हुआ था. सो कुछ आपने यू नो वैरायटी लेकर आए, तो वो स्क्रिप्ट में था या आपकी अपनी इनिशिएटिव? ये डायरेक्टर का कमाल है. क्योंकि अदील ने उसको कंसीव इस तरह से किया हुआ था और मुझे बहुत मज़ा इस बात में आया कि मुझे हल्का सा लहजा चेंज करने का मौका मिला था, अपना गंजा सर छुपाने का मौका भी मिला. हालांकि नॉट दैट मैं इसके बारे में कोई एम्बैरेसमेंट फील करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं. मेरा गंजा सर मेरी पहचान है, मगर उसमें वो टोपी की वजह से मैं डिफरेंट लगा, क्योंकि आधा सर से आधे चेहरे से ज़्यादा तो मेरा सर है. बिल्कुल. तो वो छुप गया. तो फिर चेहरे में खुद ब खुद एक तब्दीली तो आ गई. फिर वो थोड़ा बहुत मे कर लेना या और कर लेना, तो उससे भी कैरेक्टर में वो हुआ. मैंने कोशिश की थी, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टर, आई ट्राई टू चेंज माई बॉडी लैंग्वेज एज वेल. सो जो लोगों को, तुम्हारे जैसे लोगों को समझ में आ गया कि आई एम ट्राइंग, यस आई डिड ट्राई. एंड देन अहदे वफा में भी आपका कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट था और बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग था, मुझे मजा आया उसको देख के. यस, आई एंजॉयड डूइंग इट. पंजाबी कैरेक्टर था सबसे पहले, और बहुत फनी बात यह है कि जब केक ऑफर हुई थी तो वो सिंधी लहजे में थी. And I tried to refuse the film thrice because really? I you? Thought that I will not be able to make that lehja, because मुझे लगता है जब आप कोई लहजा बनाते हैं तो आप fake लगते हैं. अगर आपको ज़बान नहीं आती और आप लहजा बनाते हैं तो आप fake लगते हैं. तो मैंने केक को मना करने की बड़ी कोशिश की और आसिम ने भी कोशिश की कि उसे कोई सिंधी स्पीकिंग मिल जाए, मगर वो मेरी ही किस्मत में लिखा था तो वो इत्तेफाक के चल गया. अब जब अहदे वफा हुआ तो वो जो सिंधी लहजा मेरा केक में था वो तो मेरे अंदर घुसा हुआ था. अच्छा. अब जब मैं पंजाबी लहजा बनाने की कोशिश करता था तो वो कोई अजीब चीज़ निकलती थी, कहीं से सिंधी कहीं से पंजाबी. बट या इट डिड वर्क आई थिंक, एंड आई एंजॉय डूइंग इट बिकॉज आई वॉज नॉट डाइंग इन इट वन थिंग,
and I liked the character because it had a very positive side also. Yes. Yes. He used to watch Punjabi films, and he was a diehard fan of Anjuman, and he would sit and watch films like this. So मुझे उसमें बहुत चीजें लिखी हुई थी कि इस तरह का बुढ़ा है, वो ये फिल्म में पंजाबी इंजॉय करता है, उसको पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं, और वो फिर बोलेगा भी वैसे ही हाथ हिला हिला के और बड़े उससे. वो मुझे कहें कि वो मुझे अपनी पर्सनालिटी से बाहर निकल के करना पड़ा, इसलिए वो मुझसे मुझे बहुत मजा आया था. That's तो काफ़ी दफ़ा रिपीट कर, बिकॉज आप जैसे बोल रहे हैं कि पंजाबी एक्सेंट है नहीं, तो काफ़ी दफ़ा रिपीटेशन करनी पड़ती थी आपको, बहुत बोलना पड़ता, रिपीट कैरेक्टर्स वो डायलॉग्स को बहुत दफ़ा बोलना पड़ता था. नॉट रियली, बिकॉज सैफी इज अगेन अ वेरी जान डायरेक्टर, वेरी पोलाइट, एंड ही वुड नेवर लाइक टू अपने एक्टर्स को वो टोकता नहीं, रोकता नहीं, उसको बहुत लिबर्टी देता है एंड वेरी पोलाइटली. तो मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मुझे अपने लहजे की वजह से उसने कभी कहा नहीं जी आप पंजाबी गलत बोल रहे हैं, ये नहीं हुआ. जबकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलत किया है, और मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी भी होती है पंजाबी दोस्तों के सामने कि मैंने गलत बोला, बट आई डिड ट्राई, यस आई एंजॉयड इट. मुझे पता है कि आपको थोड़ा शिकवा है, कि थोड़ा क्या, बहुत बड़ा शिकवा है कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट इतनी जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं बन रही हैं, कैरेक्टर्स आपको आपको होता है कि एक ही तरह के ऑफर होते हैं या कुछ होते हैं, बट क्योंकि आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मैंने सोचा है हम इस टॉपिक पे नहीं बात करते, हम आगे चलते हैं. तो जब मुझे पता है कि ठीक है आपको फादर का ही रोल होता है, एंड एज यू सेड कि मैं पूछता हूँ कि भाई अब किस किस्त में मुझे मार रहे हो, लेकिन आप बैठ के क्या फिर भी डायरेक्टर से बात करते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं ये किस किस्म का बात है, बाप है, इसकी साइकी क्या होगी, कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है, या अब आप भी रेडी हो गए कि यार आया है बाप का कैरेक्टर है, अच्छा मुझे ऐसे ऐसे करना है और बस चलो करके काम खत्म करें, हाउ इज द प्रोसेस? आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दिस, बिकॉज मैं स्क्रिप्ट तो जैसा भी है आपको पता ही है, मगर अगर डायरेक्टर अकलमंद हो तो वो बुरे स्क्रिप्ट को भी बहुत संभाल लेता है. तो मैं अब स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पूछता कि किसने लिखा है, बिकॉज वो सब एक जैसे हैं. डायरेक्टर के बारे में ज़रूर पूछता हूँ कि डायरेक्टर कौन है. तो अभी तक अगर आप देखिए तो जितने भी मेरे डायरेक्टर्स रहे हैं वो सारे अपना काम जानते थे, और उनको ये कमांड भी था कि वो स्क्रिप्ट को रद्दोबदल भी अपने हिसाब से कर लें. अगर कोई एक्टर कहता है कि नहीं जी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे बोलने में आसानी नहीं है, तो वो डायरेक्टर्स वो करने देते थे. अभी मैंने किसके साथ किया, अदील के बाद मैंने एक और डायरेक्टर के साथ भी काम किया और बड़ा लुत्फ आया. हाँ, आबिस, आबिस रजा, हाँ औलाद आ रहा है. तो आबिस के साथ मैं समझता हूँ कि वो वाली बात हो गई है कि मुझे अब तक जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें सब में सैफी हसन हो गए या आबिस हो गए. इन दो नौजवानों के साथ जब आप काम करते हैं, एक तो ये कि मुझे बजाय बुज़ुर्ग के अपनी उम्र के बराबर कर लेते हैं, तो उनसे बात करना बहुत आसान हो जाता है, और दूसरी जो स्क्रिप्ट में गलती होती है वो उस पर वो भी उतना ही हंसते हैं जितना मैं हंसता हूँ, तो फिर मिलजुल के हम उसको ठीक कर लेते हैं. तो इस तरह मुझे डायरेक्टर्स अपनी शहजाद काश्मीरी के साथ मैंने सब बात किया, वॉट अ वंडरफुल गाय. उसके साथ ये है कि आप ये देखिए कि वो क्योंकि DOP रह चुके हैं तो आपको फ्रेम्स खूबसूरत मिलेंगे ही मिलेंगे. मगर जिस चीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया वो उनकी एबिलिटी थी कंटेंट को समझने की. बड़े मध्यम तरीके से उस आदमी ने, बहुत उमदा तरीके से उसने वो डायरेक्ट किया, बहुत लुत्फ आया. और उसको शायद ये मुझसे ज़्यादा उसको ये पहचान हो गई थी कि मेरी और मावरा की जो केमिस्ट्री है उसको उसने बहुत कैश किया. तो कैसे आई ये केमिस्ट्री आपकी? बिकॉज इट वॉज सो नेचुरल, हम फील करते थे और हमें पता होता था कि अनाया को अपने अब्बू से ही कंफर्ट मिलेगा. प्रैक्टिस की मावरा गेन इज अ वेरी जान बच्ची, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज जब मैं गया था तो मैंने इतनी बातें उसके बारे में सुनी हुई थी कि नहीं जी वो आपको सेट पे टाइम पे नहीं आएगी, वो अब टेंट्रम्स भी फेंकती है, शी हैज़ एटीट्यूड. कुछ नहीं था राबिया, वो इतनी ज़्यादा पंक्चुअल वक्त के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में. और मुझे ऐसी बच्चियाँ जिनके साथ यूजुअली मुझे लड़कियों का ही बाप बनाया जाता है, बिकॉज दे ऑल नो कि आई हैव डॉटर्स, सो आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग टुवर्ड्स. आई हैवंट प्लेड अ सन्स फादर लाइक आई प्लेड वन इन एहदे वफा. And और आगा जान थोड़ा, हाँ आगा जान भी, या इन अ वे यस, हाँ, बट अदर देन दैट आप सही कह रहे हैं, मोस्टली गर्ल्स. तो जब वो लड़कियों का मैं बाप होता हूँ और अगर लड़की में मुझे लगता है कि वो जरा सा भी मेरी तरफ बढ़े ना, तो मैं तो पूरा पूरा बढ़ जाता हूँ फिर. एंड मावरा वाज लाइक यू नो आते दौड़ते भागते मुझे हक करके चली जाती थी,
सो वो डेवलप हो गया बहुत ज्यादा, वो छोटी छोटी चीजें फर्क करती है ना कि वो ऑफ द स्क्रीन क्या आप लोगों का इंटरेक्शन है, बहुत मैटर करता है उसमें कैरेक्टर में और सीन में भी आ जाता है। बिल्कुल। तो आप लोग डिस्कस करते थे आप और मावरा, या आप कि अच्छा इस सीन को ऐसे कर लेते हैं, या कहीं कुछ आप लोगों ने इम्प्रॉम्प्टो को चेंज किया, हमें कोई स्टोरी शेयर कर लें? मावरा के साथ जैसे एक सीन था मेरा जिस पे वो आके छलांग मार के बेड के ऊपर बैठती है, वो इस तरह से नहीं हमें बताया गया था करने के लिए। दैट वाज मावरा हु हैड दिस इन हर माइंड दैट दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू प्ले एंड शी हैडन शेयर इट विद मी। ओके। बट व्हेन शी बिगैन डूइंग इट आई वाज ऑल लाइक पहले जरा से देर के लिए मुझे ये क्या कर रही है, मगर भाग के जब बराबर आके बैठे थे ना आई न्यू ओके कि ये ऐसे होना है। हाँ, और वो कितना खूबसूरत सीन है, वो बड़ा प्यारा वो सीन एक नेचुरल फील वो जो हम बात कर रहे हैं वो आई आप लोगों। हाँ, यही बात सना जावेद के साथ हुई थी रुसवाई में। रुसवाई में देवर नो सीन्स बिटवीन हर एंड मी व्हिच विल लाइट अ मूड और समथिंग सिवाय दो सीन्स के। तो एक सीन में वो बैठी होती है और मैंने जाके उससे पूछना है, पता नहीं उसका रिश्ता विश्ता कुछ तय हो रहा होता है, तो रुबीना यू नो शी इज अ वेरी वैसा फर्म डायरेक्टर एंड बट She would also let it go. अगर कुछ हो रहा है मजे का तो कैमरा काटती नहीं है। अब ये सना थी और उसने मुझे ना यूं करके हाथ लगाया, मैंने रुबीना की तरफ देखा, फिर मैंने भी उसको हाथ लगा दिया, फिर उसने मुझे यूं किया तो मैंने भी उसको यूं कर दिया एंड इट वेंट सो वेल, क्योंकि वो इन चीज़ों से केमिस्ट्री का पता चलता है। आप सामने बैठ के और इधर बैठ के मुझसे बात करेंगे ना तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर बेटी का बाप के गले में हाथ डाल के बात करना है तो उससे एक और चीज़ डिपिक्ट होगी ना। तो वो हुआ मेरे साथ, मावरा के साथ भी और सना जावेद के साथ भी। आई बीन वेरी वेरी लकी विद बोथ दीज गर्ल्स, लाइक दे हेल्प मी अ लॉट एंड वट एवर आई डिड वाज बिकॉज ऑफ देम और द डायरेक्टर। थोड़ा सा आप जो कैरेक्टर है, मैं आपकी नहीं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, मावरा के जो फादर का कैरेक्टर था बाद में, वो जो उनका एक सेंटेंस है कि जब वो घर वापस आती है हसन को छोड़ के अब्बू को नहीं बताती है तो वो कहते और फिर बोलती है मैंने जॉब छोड़ दी है कि मैं नहीं जॉब छोड़ने का बताती नहीं है बट वो बताते हैं कि घर पे नहीं बैठना जॉब मत छोड़ना बिकॉज लड़कियों को वो जो घर पे रहती हैं औरतें उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक हो जाता है वो बंद कमरे की तरह। बिल्कुल। आपको लगा वो डायलॉग सही था, वो होना चाहिए था बिकॉज उसके फादर बड़े पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग थे, तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि ये सेंटेंस नहीं, वो तो उस सेंटेंस में भी यही कह रहा है कि बेटे घर में अपने आप को बंद नहीं करना। ओके। लेकिन उनका जो ये सेकंड वाला था काइंड ऑफ जजमेंट थी स्टे होम वुमेन या नहीं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा कि वो औरतें जो घरों में रहती हैं वो ये पॉइंट ऑफ व्यू एक हो जाता है और ये सब चीजें। हाँ, मुझे यूं लगता है कि बात इतनी गलत नहीं है। अच्छा। क्योंकि दुनिया का एक्सपोजर होना, लोगों से मिलना, उससे जहन बहुत खुलता है। बनिस्बत अगर आप रोज़ाना वही दो औरतों की शक्लें देख रही हैं जो आपस में बातें कर रही हैं, या हो सकता है वो वाली बातें जो आपकी फितरत में नहीं है वो वाली बातें हो रही हैं, मगर वो अब आप तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। तो इस उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलें, मुख्तलिफ सोचों को परखें और उसके बाद अपना फ़ैसला करें ज़िंदगी में जो भी करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग, मैं लोगों को लोग नहीं कहता, लोग सारे किताबें चलती फिरती, आप हर किताब से कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाते हो, तो अगर आप घर बैठ के बुक्स पढ़ते हो अच्छी, वही बात है, आप बाहर जाके मुख्तलिफ अच्छे लोगों से मिलते हो वही बात है, सीखना आपने वहाँ भी है, सीखना यहाँ भी है, मगर लड़की के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से ये होता है कि लड़की बावर्चीखाना, बावर्चीखाना ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से उधर, यही है, तो इसलिए वो एक खास सोच है। तुम्हारी जैसी लड़कियां जो सिंगापुर में रही हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों में रही हैं, उनकी सोच को जब कंपेयर करोगी किसी ऐसी लड़की से जो घर से बाहर नहीं निकली तो तुम्हें वो बात समझ में आ जाएगी जो हम कह रहे हैं। ओके। आप एज अ फादर, आपको क्या लगता है जो आप रियल एज अ फादर हैं और जितने आपने रोल्स किए उनमें से कौन से सबसे ज़्यादा करीब है यू एज अ फादर, या आप बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, या आपकी बेटियाँ कभी देखती हैं ड्रामा कहती हैं ये तो आप एक्चुअल में ही ऐसे हैं, यू नो वो यही कहती हैं, यही कहती हैं सारे सारों को देख के। चारों मेरी जो बेटियां हैं, जैसे मैंने एक तो पहले भी कहा था कि दिल में चार टुकड़े होते हैं ना, हर खाने में एक बैठी हुई है। अच्छा। और उनका बिल्कुल यही हाल है कि मैं सीधा बैठ नहीं सकता, वो इधर से आएंगी, इधर से चली जाएंगी कुछ करके, इधर से आएंगी, इधर से ये करके चली जाएंगी, एक तो उठाती भी सुबह यूं करके आई हूँ। अच्छा, क्यूट, माशाल्लाह। तो इस वजह से और यही वो चीज़ें जो मैंने सीख ली हैं। Okay. तो जब मैं कोई ड्रामे में जाके बाप का करता हूँ और लविंग फादर का करता हूँ तो मुझे कोई मुझे पता होता है उस बच्चे के साथ मुझे क्या करना है, कब कान खींचना है, कब नाक खींचनी है। सो वो बच्चियाँ कहती हैं एग्जैक्टली आप वही करते हैं जो घर में कर रहे हैं।
इसलिए बड़ा मुश्किल ये है कि मेरी बीवी कहती है मुझे नहीं पता चलता कि अब आप सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं, कब आप ड्रामा कर रहे हैं या कब आप उनको तो बेतबारी का ये हाल है कि मेरे सामने ड्रामे नहीं करें अब। ओके, वैसे करते हैं आपके बीवी फंस जाए या कुछ करते हैं तो यूज करते हैं एक्टिंग? अरे बुढ़ापे में कहां अब ड्रामे की नौबत आती है, अब तो बेचारा मजलूमियत की में गुजर रही है। ये तो सारे शौहर जवान हो या बुढ़े उनके यही चीज हो रही होती है कि नहीं बुढ़ा बड़ा मजलूम होता है। हाँ भाई, तो बीवी तो आपसे उम्र में छोटी है, वो तो तगड़ी रहेगी। बुढ़े की तो टांग बांग कांप गई, उसको तो हाथ बात में रेशा आ गया, अब वो क्या कर लेगा। आप तो ऐसे कोई नहीं है माशाल्लाह से, गुड लुकिंग, बड़े स्मार्ट। हाँ बस मेरे बाल बहुत घने हैं इसलिए। तो हमने तो बड़े मजे की पोस्ट भी निकाल ली थी जिसपे लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने बोला ये क्या भी होती है, जस्ट फॉर फन यार, मतलब कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, आपको याद है? यस यस यस, बहुत अच्छा। तो आगा जान का जब कैरेक्टर आया तो पहला क्या रिएक्शन था? मुझे पहले तो आई थिंक आप खुश होंगे, शुक्र है मैं इसमें मर नहीं रहा। अच्छा उस जमाने में जो कि शुरू हुआ था तो अभी इतनी मौतें मेरी वाकई नहीं हुई थी। अच्छा, वो पहला ही था। हाँ उस वक्त तो कहाँ मरा था मैं, नहीं नहीं कहाँ, उससे पहले भाई केक के बाद पहले सोनू चंदा ही तो था। ओके, हाँ जी। मगर ये कि वो किरदार जिस तरह से लिखा गया था वैसा अल्लाह का शुक्र है उसमें मान गया था डायरेक्टर भी और राइटर भी। मैंने वो कपड़े नहीं पहने जो उसमें लिखे। अच्छा, क्या कपड़े थे उसमें? बड़े शोक कोट्स, पैंट्स और बो, और ये अब ऑरेंज कलर का मुझे पहना दिया। हमें आगा जान ऐसे ही पसंद है ना, तो हाँ। बस वो मेरी जरूरत नहीं हुई, एक दो सीन में आए वैसे हुलिये हाँ। मेरे, मैंने कहा ये मैं नहीं पहन सकता, मैं हूँ नहीं, मैं ऑरेंज कलर का नहीं। ऑपोजिट समीना अहमद का जो कैरेक्टर था वो बड़ा गरारों के साथ है ना, वो ऑरेंज और पिंक तो उनके साथ नहीं जाता ना, नहीं जाता। केमिस्ट्री भी थी दोनों की मेरे ख्याल में, जिस तरह के मेरे डायलॉग्स थे वो उनके साथ भी नहीं जाता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो पहला रिएक्शन क्या था सोनू चंदा का स्क्रिप्ट जब हाथ में आया आपके? जब मैंने नादिया अफगन का कैरेक्टर पढ़ा था, मैंने अपना कैरेक्टर पढ़ के हाँ नहीं की थी, मैंने नादिया अफगन का कैरेक्टर पढ़ के हाँ की थी, मुझे इस प्रोजेक्ट का पार्ट होना है, इस प्रोजेक्ट का पार्ट होना है, बिकॉज वो इतने फनी डायलॉग्स थे तो, और चूंकि पंजाबी थोड़ी बहुत समझ में आती तो इसलिए मुझे लगा कि वो बहुत मज़े का कैरेक्टर, उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और फिर या नादिया अफगन के साथ काम करें आप तो फिर आप ना थकन होगी ना कुछ होगा, बस नादिया अफगन को मैं तो डायलॉग भूल जाता था, जब नादिया अफगन सामने डायलॉग बोल रही थी तो मैं उसको देखते देखते अपनी लाइनें भूल जाता था, डायरेक्टर कहता है अहमद साहब। Okay. और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि सामने वाला एक्टर अच्छा हो तो मुझे अपनी लाइनें याद नहीं रहती, क्योंकि आप इतना उनको देख के मगन होते हैं। yes. तो सुनो चंदा का कोई मज़े का वाक्या है, कोई फैन का किस्सा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना प्यार मिलेगा लोगों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तवक्कु नहीं कर रहा था कि इतना मिलेगा, मगर कोई ऐसा पर्टिकुलर वाक्या तो नहीं है, मगर अब तक लोग मुझे आगा जान कहते हैं, कहीं सड़क पर देख लें, इधर उधर देख लें, वक्त के हिसाब से नाम बदलते हैं, मगर बहुत अरसे तक आगा जान रहा मैं। Okay. फिर मैं मतीन साहब हो गया, मतीन साहब। फिर मतीन साहब का जब मैं पंजाब की तरफ गया तो मलिक अलायार हो गया, उस हिसाब से मेरे नाम बदलते रहते हैं। मगर जो अभी हुआ मेरा एक एक्सपीरियंस लाहौर में, अच्छा। वो मुझे पता नहीं, आई शुड लाइक आई नो, एक लड़की तेजी से भागती हुई आई मेरी तरफ और वो अपने बाल नोची थी और सर यूं कर रही थी, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा इसे क्या हुआ यार, ये क्या कर रही है? तो पता चला कि वो उसके शायद वालिद का कुछ हुआ होगा, एंड उसको जब से वो मेरे ड्रामे देख रही है, काफ़ी अरसे से देख रही है, उसको मुझसे कुछ वो अनसियत हो गई कि वो चीखती हुई चिल्लाती हुई मेरी तरफ भागी कि लोगों ने उसको रोका, नहीं मुझे इनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। फिर मैं जाकर उससे मिला, कहते यू डोंट नो, यू आर एग्जैक्टली लाइक माई फादर है। सो हाँ, वो था, मुझे महसूस हुआ कि शायद लोग वाकई प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, उसको तो आप डाउट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वो तो आपको जो शिकवे शिकायत हो इंडस्ट्री और स्क्रिप्ट और ड्रामों से, उसको तो आप डाउट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं करता, मगर मैं सिर्फ ये जरूर कहता हूँ कि नहीं, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, ना मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, और ना मैं जितनी इज्जत और जितनी मुझे इस वक्त शोहरत मिली हुई है वो अल्लाह ताला की बहुत इनायत है मुझ पर, क्योंकि बुढ़ापे में आकर अगर आपको कुछ मिलता है, क्योंकि इससे पहले तो नहीं था कुछ भी, इस एज में अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है तो ये बहुत उसका शुक्र है। मगर हकीकतन राबिया, मैं खुद को महसूस नहीं करता कि मैं इस लायक हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टर, ठीक है, एंड योर इंडस्ट्री प्रूव्ड दैट आई वॉज नॉट इवन अ गुड राइटर, सो Whatever is happening is like a miracle. इंडस्ट्री ने नहीं प्रूफ किया ऐसा कुछ भी, वो हमारे पास प्रूफ है कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, मतलब आप, मैं नाम ले रही हूँ, आई रिमेंबर सायरा काजमी का जो प्ले, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे,
तुमसे कहना था, इतना खूबसूरत है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, 7 एपिसोड्स हैं, प्लीज़ जाके देखिए। मरीना खान है, अली हैदर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक इंग्लिश फिल्म की अडेप्टेशन है व्हाइल यू वर स्लीपिंग, वो भी बहुत अच्छी है, बट उसको अपने देसी स्टाइल में देखने का मज़ा ही और है। वो भी मोहम्मद अहमद साहब ने ही उसको लिखा था अडेप्टेशन को। सो उसमें राइटर पे तो मैं बहस भी नहीं करूँगी, क्योंकि बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर अ ग्रेट राइटर। सो मुझे ये बताएं, मिस करते हैं लिखना आप या नहीं मिस करते? राबिया बहुत मिस करता हूँ, शुरू कर दिया दोबारा लिखना आफ्टर अबाउट 6 इयर्स नाउ, माशाल्लाह। एंड आई हैव रिसेंटली रिटन अ टेलीफोन फॉर नदीम बेग, ओके, वन फॉर आबिस रजा, ओके, एंड आई माइट राइट लाइक एक सीरियल है जो शायद मैं मेरी जब्बार के लिए करूं। परफेक्ट, फिर तो जबरदस्त कंटेंट आने वाला है। हाँ, मुझे नहीं पता मगर ये कि या प्रेशर डाल दिया मैंने आपके ऊपर नहीं अब क्या प्रेशर होगा, तुम मुझे पता है, एक तुम हो गई, एक अम्मा हो गई, दोनों की बातें बहुत मज़ेदार हैं। अगर तुम कुछ कहोगी तो मुझे यकीन है कि तुम सही कहोगी, क्योंकि मुझे कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ तुम्हारी बातों से। कोशिश करती हूँ, मैंने भी सीखा है कि प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, कि जो सुन रहे हैं उसको भी बुरा नहीं लगे। कभी कभी कुछ चीज़ें जो आती हैं, दिल चाहता है क्यों ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो रोज होता है, ऐसा तो रोज़ होता है। मगर मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक अजीब वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, और सिर्फ आप मीडिया को तो ना कहिए, चारों तरफ जो हालात हैं उनमें भी तो फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ पे भी है, वो फ्रस्ट्रेशन जो है स्क्रीन पर आने लग गई है। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा वक्त आएगा। औलाद में आप आ रहे हैं, अभी औलाद कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब उसकी स्टोरी भी बड़ी डिफरेंट है, और लगता है आपको ऑडियंस देखेगी? मेरा तो ये ख्याल है कि वो माएँ जिनके बेटे जो है ना वो बेवफाइयाँ कर गए, उनके दिलों को जाके लगना। तो ये मदर सेंट्रिक रोल है, हाँ, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो मुझे लगता है हर घर में ऐसा हो रहा है आजकल, तो इस वजह से। और दूसरे ये कि ये वो वाला सीरियल है जिसमें आप बेधड़क अपने भाई बहनों अम्मी अब्बू के साथ देख सकती हैं, आपको पता है कि कोई बेहुदा बात नहीं होने वाली और कोई बेहुदा सीन नहीं आने वाला, तो आपको एक बेखौफी तो होनी है। बट रोएंगे हम काफ़ी इसमें? देखिए, उसके बगैर रेटिंग नहीं आती। मैंने एक साहब से पूछा था भाई क्यों मारते हैं आप लोग, तो कहने लगे भाई बात अनफॉर्चुनेटली है कि जिस सीरियल में आप मरते हैं उसकी रेटिंग आ जाती है। तो औलाद में क्या चीज़ आपको ऐसी लगी जिसने जिसको देख के आपने सोचा कि मैं ये करना चाहूँगा? मतलब उसमें आपको एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा मिल रहा था, कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ थी उसमें? कॉन्टेंट ऐसा है जिसे मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ राबिया, वो ये है कि जब बेटियाँ होती हैं ना आदमी की, तो हम as parents we are prepared that one day they'll get married and they'll move away, hai na, magar jab beta paida hota hai parents kabhi expect hi nahi karte ki yaar usne bade hoke hame chhod ke jana hai, unko to lagta hai ki ye beta lamya ne hame diya isliye ki wo hamara sahara banega, bilkul ye bahut concept hai na। to jab wo beta agar kabhi jata hai to jo parents ka dil tootta hai na wo us tarah nahi toota beti jab jati hai, of course nahi nahi, theek hai। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात होना बड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा क्या इसको देख के? माइंडसेट तो अगर आप दुल्हन देख के माइंडसेट चेंज कर सकते हैं क्या? या उससे भी बेहुदा कुछ चीज़ें और आई थी। तो माइंडसेट अगर चेंज होना होता तो उन बेहुदियों से हो जाता। सो फिर सिर्फ एक वो है रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जिनको समझ आनी है उनको आ जाएगी कि औलाद को अपने पराइज पहचानने चाहिए और उनसे भागना नहीं चाहिए। तो ये बात है, मगर बहुत मज़े की बातों में ये बताऊं कि जब ये रोल ऑफर हुआ, मुझे बुलाया गया, मैं पहुंचा, और जाहिर है जब आप जाते हैं आपको पता होता है कि अब्बा जान है, हमको शाहरुख खान तो है नहीं कि हमें गाने गाने को मिलेंगे और हमारा रोमांस होगा, अब्बा हैं, ठीक है, बुला लिया। अब रोल ऑफर किया उन्होंने मुझे और कहा कि ये अहमद साहब ये रोल है और आप करेंगे? मैंने कहा जी मैं करूँगा, कहानी अच्छी है, जो हीरो कौन है इसका? तो वो दोनों हंसने लग गए, आबिस रजा थे और ज़ीशान अरसलान थे बिग बैंग के, और वो हंसना शुरू हो गए, डॉक्टर साहब थे वो भी हंस रहे हैं। मैंने कहा नहीं सीरियसली मुझे बताया ना, क्योंकि मैं अगर वो बेटा है तो उसके साथ बहुत सीन्स हैं, तो मुझे बताइए वो कौन है, हीरो कौन है इसका? तो कहते सर आप इसके हीरो हैं। मैंने दोबारा कहा, थोड़ी देर के बाद कहा, मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे भी लड़का बताओ, क्योंकि मुझ पर तो नहीं बिकेगा ना सीरियल, सीरियल तो लड़का और लड़की पर बिकेगा, वो बताओ कौन है? कहेंगे सर आप है ना। यानी मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आया, जब मैं एक महीने की शूट कर चुका था और हर सीन मेरा था, तब मुझे पता चला कि यार ये तो वाकई मेन रोल है।
मगर उसमें बहुत ज़्यादा मज़े की बात यह है कि मरीना है मेरे साथ, ठीक है, और मरीना और मेरा दोस्ती बहुत पीछे जाती है तुमसे कहना के टाइम से जी जी। तो मरीना के साथ आप जब कोई ऐसे सीरियस सीन्स कर रहे हों तो हंसी का दौरा बहुत ज़रूरी होता अच्छा। है और इंतहाई रोने का सीन, और मरीना को तो दौरा पड़ गया हंसी का, और जब मरीना को दौरा पड़ गया तो मुझे भी पड़ गया, और फिर वो सीन किस तरह से हुआ है वो आबिस से पूछें कि आबिस वो सीन कैसे किया था। आबिस बहुत इन्वॉल्वड है और बात वही होता था कि अहमद साहब खुदा के वास्ते यार वापस मूड में कैसे आएंगे, बाल मुश्तबा होता है अहमद साहब प्लीज़ वापस रोएं। और मरीना और मेरी हंसी नहीं रुक रही क्योंकि मरीना पूछती थी मैं इतना रो चुकी हूँ आपस, अब बताओ आप किस तरीके से रोना है मुझे। जैसे मैं अब पूछता हूँ कि यार मैं हर तरीके से मर चुका हूँ, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, हर तरीके से मर चुका हूँ, तो मुझे मरने का तरीका बताओ कि कैसे मरना है। तो एक सीरियल में कहने लगे कोई बात नहीं, इस दफा आपके सर पर गमला गिरेगा। आपको दिया जाए, आप बोले कि भाई आप पांचवी छठी में मसीह होने वाला जो हमेशा होता है, तो आप मेथड क्या यूज करेंगे? भाई अब की मैं नाचते हुए मरना चाह रहा हूँ, अल्लाह भाई हंसी खुशी डांस करते करते बस गए गए। वो होता नहीं यार, हमारे यहाँ हमेशा बाप रोते धोते ही मरता है, बाप क्या माँ भी रोते रोते मरती है, हालांकि बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन सवात में आपका जो एम्बुलेंस में सीन था वो बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से, और पता है मैंने उस वक्त आपको वो एक्टर ऑफ द वीक वो मेरे पता नहीं क्यों दिमाग से निकली, मैंने मुझे इतने नीचे कॉमेंट्स आए कि आपने ज्यादती की है ये वाला इस बार हमारे सेगमेंट में, ये मोहम्मद अहमद साहब को। फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने नेक्स्ट टाइम बोला, मैंने कहा बिल्कुल मेरी गलती थी, वो उस बार मोहम्मद अहमद साहब को ही जाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। तो वो सीन मुझे याद रहेगा हमेशा कि वो कैसे शूट हुआ था, बिकॉज मुझे डायरेक्टर ने ले जाके ना कोने में ये बात कही थी कि अहमद साहब एक तो ये कि हम बहुत टाइट जगह पे शूट कर रहे होंगे, वो एम्बुलेंस होगी जिसमें आपकी शूट है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी रीटेक्स करने की, सो आप एक ही टेक में जो करेंगे तो वो कर दीजिएगा। मैंने कहा कि मुझे ये बता दें कि किस लेवल पे आना है मुझे मरने के लिए, तो कहने के दैट्स योर ओन चॉइस। Oh, he left it on you. He left it on me. Okay. And when I finished the scene, I remember that जो भी वो एम्बुलेंस में था, DOP का असिस्टेंट था, and they were all crying. Literally, they were all crying. और मावरा तो बहुत देर तक चुप नहीं हो रही थी, because वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे उस सीन को करते हुए कि मुझे भी लग गया था मैं वाकई मर गया। But yes. अब आप बोल रहे हो, मैं याद करूँ, आई डिसएग्री विद यू जो आपने बोला कि मेरे सारे रोल ऐसे होते हैं, बिकॉज आई थिंक एज अ फादर इन सबात आपका कैरेक्टर स्पेशली टुवर्ड्स द एंड जब आपको वो होता cancer है हो जाता है लंग्स का है, उसमें आपकी कितनी ज़बरदस्त और डिफरेंट एक्टिंग थी। इन रसवाई कम्प्लीटली डिफरेंट, उसमें वो एक झुका हुआ कंधे झुकाए हुए एक गिल्टी बाप की फीलिंग थी, यू नो, सो योर कैरेक्टर्स हैव बीन You've shown हमें हर उसमें आपने एक डिफरेंट तरीके के बाप दिखाए और वो एग्जिस्ट करते हैं, बाप एक साइड एक तरह के तो नहीं होते। तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगने लगा कि मैंने ये सब किया होगा, अदरवाइज नहीं। सीरियसली आप अपने आप को अंडर वो करें, इट्स रियली बीन। बट मुझे ये बताइए, आप डायरेक्टर से बात होती है कि इसको मैं ऐसे करूँ या नहीं, तो देखें आप दो ही तरीके हैं एक्टिंग करने के, या तो आप उस तरह से कर दें टेक्निकली जैसे होना चाहिए, और मेरा तरीका यह है कि जब आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और अपना कैरेक्टर समझते हैं तो फिर आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं, फिर आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती बिकॉज आप वो कैरेक्टर बन चुके हैं। तो मेरा तरीका यही होता है कि रसवाई में जब ये हमने किया था तो मैं उस लड़की का बाप बन गया था, ऐदे बापा में मैं वो बन गया था, मुझे फिर कोई मेथड नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, मैं वो कैरेक्टर बन जाता हूँ, खुद ही हो जाता है, और अगर डायरेक्टर अच्छा होता है तो जो मैंने किया वो दिखा भी देता है। आपको क्या लगता है आपका कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है? यार मुझे अभी तक मेरे पास तुम हो का मतीन और मलिक अल्लयार पे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कमाल है। उसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर सबसे मुश्किल था आपके लिए करना? अगर आप कहें रसवाई वाला कैरेक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत बार ये हुआ कि व्हेन आई वेंट इनटू दैट कैरेक्टर वो पर्टिकुलर सिचुएशन में गया, मैं कभी वो ग्लिसरीन या बाम नहीं लगाता रोने के लिए, मैं हमेशा खुद रोता हूँ।
मैंने कभी आर्टिफिशियल आंसू नहीं दिए. और वास्तव में ये होता था कि आप उस रोल में गए हैं और आपने रोना शुरू किया, फिर मेरा उस रोल से बाहर आना मुश्किल हो जाता था. फिर वॉशरूम में जाके मैं बहुत धाड़े मार मार के रोता था एंड दे वुड ऑल वेट फॉर मी आउटसाइड टू कम आउट. और फिर मुझे वो रुबीना संभालती थी कि नहीं अहमद साहब, इट्स ओके, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, कम आउट ऑफ इट. फिर वो कोई ऐसा सीन रखते थे जो ज़रा लाइट हो. एक दिन ऐसा था जिस दिन 9 सीन्स थे शूट के और 9 सीन्स में मुझे रोना था. जो सुबह से शुरू हुआ तो रात 10 बजे तक रोने के सीन्स थे. वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आप वक्त लगता है फिर उससे बाहर निकलने में. जलन के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, बातचीत भी हो रही है. तो जब हम आबिद साहब से बात कर रहे थे और सहर ने भी कुछ थोड़ा इसी तरह बोला, मैंने शायद उनका नाम गलत ले दिया राइटर का, सो इज इट रियली अबाउट बैड पेरेंटिंग? आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आपको लगा ये कि माँ बाप की गलती के ऊपर है, ये कि माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को परवरिश करते हैं ये उसके बारे में आपको लग रहा था जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा था तो बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे बहुत एतराज़ात थे, मगर मुझे ये तसल्ली थी कि मैं तो जल्दी से मर के निकल लूँगा. मगर आबिद से भी बात होती थी और लोगों से भी बात होती थी, मगर ये कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और था, मेरा बिल्कुल सिरे से अलग था. तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा. हाँ, यूँ ज़रूर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जलन से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं था. उसमें मैंने वाकई एज एन एक्टर काम किया था और इससे ज़्यादा मेरा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. ठीक है, वो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था और उनको लगता था ये बात ऐसे होनी चाहिए, तो उन्होंने कर ली. लेकिन या ओके, एक झूठी लव स्टोरी कैसे आया आपके पास? मेरिन जबार, यू नो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड. बस उनका फोन आया आपको और आपने कहा ठीक है. या स्क्रिप्ट पढ़ा था? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा मैंने उसका, नहीं पढ़ा. सिर्फ मेरिन जब्बार ने कॉल किया एंड आई वाज देयर डूइंग इट. टीम बहुत मज़े की थी, लड़के लड़कियां जो साथ थे वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे. तो वो काम करने में लुत्फ बहुत है, बेबेओ थी साथ में तो बहुत मज़ा आया करने में. बियो जफर, आपके बड़ी उनके साथ भी बड़ी नेचुरल केमिस्ट्री रहती है, केक और फिर इसके बाद ये, तो क्या होता है, हाउ डू यू गेट इट? मतलब गप्पे वप्पे लग रही होती हैं, क्योंकि इसमें मैंने ये नोट किया कि जो डायलॉग डिलीवरी थी आप दोनों की वो इतनी नेचुरल थी, इतनी नेचुरल थी कि मैं आपको, मतलब इधर से उन्होंने फेंका, इधर से आपने फेंका, फिर उन्होंने फेंका, एंड यू नो एंड यू लाइक यार ये तो मुझे लगता है मैं अपने आसपास होते हुए देखती हूँ. मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बहुत से कपल्स जो हम इस एज पे आते हैं वो इसी तरीके से उनकी आपस में नोकझोंक चल रही होती है. रावे, तो ये बात अब तो समझ आ गई होगी कि आपके सामने जो एक्टर है जी, अगर वो आपको केमिस्ट्री दे रहा है और अगर उसकी डिलीवरी उतनी मज़े की है तो आपकी एक्टिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी. तो बेओ माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मज़ेदार खातून हैं कि वो आपको इतना कंफर्टेबल रखती हैं काम करने के दौरान कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई होती, मगर वो मुझे लगा, मैं यही पूछना चाह रही थी, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी, मुझे लगा ये, मुझे लगता है इस इनके डायलॉग में बहुत चीज़ें इन्होंने आपस में ऐसे ही बोली हैं. बिल्कुल ऐसा, यार इन आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, इतना वो था बहुत जगह मुझे ऐसा, तो आप कह रहे हैं कैसा हो रहा जी, ऐसा हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि बेओ जुमले मारने में बहुत माहिर हैं. अच्छा, और फिर माशाल्लाह उनकी उर्दू बहुत अच्छी है. और सबसे मज़े की बात यह कि वो एक ऐसी खातून है कि आप उनके साथ सीधे बैठ ही नहीं सकते, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं कि आप बर्मला हंसना शुरू कर देंगे या उनको जवाब देना शुरू कर देंगे. और मेरिन भी शूट करती रहती थी. ओह नाइस. अच्छा, अब आपके जो अंदर राइटर छुपे हुए, जो आपने छुपाया हुआ उनको काफ़ी अच्छे से, उनको हम थोड़ा सा टच करें, कुछ एक हल्की फुल्की चीज़ कर लें आपके साथ. मैं आपको डायलॉग्स दे रही हूँ, आप इनको चेंज करें या इसको बेहतर बनाने, या आपके ऊपर है. कब तुमको पसंद किया, कब तुमको चाहने लगा, और कब मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता. ये ज़िंदगी गुलजार से डायलॉग है. ये तुम बहुत ज़्यादती कर रही हो. देखो, उमैरा का लिखा हुआ है और इसको कैसे आप थोड़ा सा चेंज कर दें? चेंज ज़रूर कर सकता हूँ, मगर बेहतर तो ये नहीं हो सकता. मैं भी रीफ्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल. उमैरा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स एंड सच अ ह्यूज फैन ऑफ हर. इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप अपना टच कैसे डालते हैं आप?
मैं तो आपको पता ही है बहुत स्पोकन लैंग्वेज में बात करता हूँ और आई बिलीव इन दैट कि मुझे नहीं पता चला कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगा। आप ये बोलते हैं तुमने मुकम्मल कर दिया मुझे। इंटरेस्टिंग। मोहब्बत इज नॉट अ स्टॉक मार्केट, यहाँ एक बार भाव गिर गया बस गिर गया। आई डोंट बिलीव इन दिस, तो मैं बोलूंगा ही क्यों, ये कोई बात हुई? ये तो आप साइड से निकल रहे हैं। हाथ धो गई मोहब्बत को आपने? नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत का भाव कैसे गिर गया? मोहब्बत अगर मोहब्बत है तो भाव कैसे गिरेगी? तो आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं, इंफैचुएशन अगर है तो भाव गिर सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोहब्बत में भाव कैसे गिर जाएगा? मोहब्बत है तो मोहब्बत कम नहीं हो सकती? नहीं, अगर मोहब्बत है, नहीं, अगर आप समझ रही हैं कि मोहब्बत क्या होता है, मोहब्बत के अंदर तो आप ना कोई तवक्को रखते ही नहीं ना, फिर तो मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती है वाली इस दुनिया में। आई थिंक करती है। मोहब्बत तवक्को के बगैर कैसे हो सकती है? नहीं, मोहब्बत तवक्को के बगैर नहीं हो सकती मोहब्बत आजकल, नहीं तो फिर वो मोहब्बत कैसी है? तो इसीलिए तो कह रही हूँ फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ ड्रामों और ये सिर्फ दिमाग में, फिर ख्याली दुनिया में हमारी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज फिर दुख और मोहब्बत की का भाव तभी तो गिरना शुरू होता है जब तवक्कोआत पूरी टूटती है, जब तवक्कोआत वो होती हैं, जब आप हर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको मोहब्बत है और उसको भी आप तो फिर कोई एक बेईमान है ना, वरना आपका वो तोड़ने कैसे देता मान। ये मेरे पास तुम हो का डायलॉग है, आपको पता है, अंदाजा हो रहा था आपको। जी जी। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ही ना हो। मेरा दिल तो हमेशा चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। जीतने के लिए एक रात काफी है, हारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये कितनी खूबसूरत बात है, मैं इनको क्यों खराब करूं? ओके। थोड़ा सा भी नहीं कोशिश कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई। अच्छा चले, मैंने एक और चीज रखी हुई थी उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। इनके लिए क्या डायलॉग बोलेंगे इन सिचुएशंस के लिए? जलन फिर बैन हो गया। इसके लिए कोई डायलॉग बोल रहे? जलन फिर ऑन एयर हो गया। चुड़ैल्स और केक सबको देखना चाहिए, आप ये आवाम को कैसे बताएंगे? केक सबको देखनी चाहिए, नॉट चुड़ैल्स। काफी है ना, अब तुम उसको वो क्यों चाह रही हो, क्लेरिफिकेशन क्यों चाह रही हो? नहीं, थोड़ा। जो बाइडेन वन द इलेक्शन इन अ ड्रामा, हाउ वुड यू अनाउंस इट? हालांकि फर्क कोई भी नहीं पड़ना तो अनाउंसमेंट क्यों? चाहे जो भाईजन आ जाए चाहे वो आ जाए, फर्क कोई भी नहीं पड़ना यार, शायद मुकद्दर बदल जाए। ओके, मुझे ये बात बताइए बस, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। उससे पहले मैं बस दो सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। आपको बहुत शिकवे हैं इंडस्ट्री से, आपको बहुत शिकवे हैं स्क्रिप्ट से, फिर आप उन्हीं स्क्रिप्ट का पार्ट क्यों बनते हैं? और आपको लगता नहीं है कि ऐसा करने से आप उस इन्वायरमेंट को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसकी वो कम हो? आप जैसे ग्रेट एक्टर्स जब इसका पार्ट बन जाते हैं तो वो चीज़ तो फिर रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा ये प्रोसेस। ओके, एक तो सबसे पहली बात ये कि मेरे पास ज़रिया माश कोई और नहीं है। मुझे काम करना है। टीचिंग भी तो करते थे आप? हाँ, मुद्दत हुई, फिर वक्त नहीं बचा कि वो कर पाता मैं। लेकिन अब तुम्हारे इस इंटरव्यू के बाद अपनी एक पहचान सी हुई है मुझे कि मैंने अभी तक जो भी किरदार किए वो लोगों को पसंद आए। मैंने अगर अपने किरदार की तवस्सुत से लोगों पे, बेटियों से प्यार करने का कोई तासुर छोड़ा है तो वो मेरा काम है कि बाप को बेसिकली ऐसा होना चाहिए बेटियों के बारे में, इतनी ही शफ़क़त और इतना ही प्यार करना चाहिए। तो चाहे वो जलन हो, चाहे सबात हो, कोई भी हो, मुझे तुमको मेरे किसी किरदार से कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि आपने ऐसा करके एक गलत मैसेज दिया है। अभी तक तो याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। ये मेरा काम था। मैंने प्यार करना सिखाया और बेटियों से प्यार करना बहुत ज़्यादा सिखाया है, ठीक है। अब वो अगर सब्जियों की टोकरी में कहीं एक फूल छुपा हुआ है तो वो तुम्हारा काम है कि तुम वो फूल चुन के निकाल लो। आपने राइटिंग छोड़ दी, मुझे लगता है कि, खैर मुझे नहीं लगता बट मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपने कहा कि बहुत से लोगों ने आपसे कहा कि आप अच्छे राइटर नहीं हैं, बट गिव अप करना सही चीज़ होती है? और क्या आप यंगस्टर्स को फिर ये दिखा रहे हैं कि या हम थोड़ी गलत, मतलब आई वॉन्टेड आप
यू आर लव्ड एंड फॉलोड बाय सो मैनी. सो आपका ये कहना कि मैंने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या कुछ लोगों की वजह से अपना एक पैशन छोड़ दिया, आपको लगता है कि कहीं थोड़ा सा गलत मैसेज मे बी और बिल्कुल सही कह रही हूँ. मगर राबिया, तुमको ये भी अंदाज़ा हुआ और अभी मैंने तुम्हें बताया कि लिखना फिर शुरू किया. जी एग्जैक्टली. कुछ अरसे के लिए जब मुझे लगता था कि मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल भी नहीं लिखा. और अगर मैं उस ज़माने में लिखता भी तो ऐसा नहीं है कि मैं बस किसी ने आज मुझसे कहा कि आप अच्छे राइटर नहीं और मैंने लिखना छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ. मैं कोई 2 साल तक लड़ता रहा. अच्छा. अपनी चीज़ें लिख लिख के ले जाता रहा. ओके. और हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता था कि ये तो लोगों की समझ में नहीं आएगा, ये ठंडे ड्रामे हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत ब्लैक एंड वाइट चाहिए. मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, उतरते उतरते फिर मैंने सास बहुओं पर भी लिख के ट्राई किया, लेकिन मेरी सास बहुएँ भी ग्रे होती थी. वो सास बहुएँ नहीं थी जो इनको चाहिए. नहीं, जो इनको चाहिए. तो फिर मैं वहाँ भी फेल हो गया. जब मैं बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे आ गया था और मैंने सास बहुओं पे लिखना शुरू किया तो भी उनको लगा कि ऐसी सासें नहीं चाहिए हमें, हमें सास ऐसी चाहिए. और मेरे नज़दीक तो बिलीव ही नहीं मैं करता, मुझे लगता है कि हर नेगेटिव कैरेक्टर में कोई पॉजिटिविटी होती है और हर पॉजिटिव कैरेक्टर में कोई नेगेटिविटी होती है. इंसान तो मिक्सचर है, अच्छाई बुराई का. तो फिर मैं वही बिलीव करके लिखूंगा. मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं डायन चुड़ैल लिख दूँ बगैर किसी वजह के. प्लीज़, आपने एक वर्ड यूज़ किया फेल. बिल्कुल आप फेल नहीं हो रहे, यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. आप लिखते रहिए. मेरा ख्याल है यूथ को और जो नए राइटर्स की जनरेशन आ रही है उनको बड़ा ज़रूरी है आपकी गाइडेंस, आपकी राइटिंग मौजूद हो जिससे वो इंस्पायर हो सकें. जब मैं ये नाम ले रही हूँ, रामचंद पाकिस्तानी, आज़िर की आएगी बारात, उसके बाद दरीचे, एक और भी था मैंने काम जो शायद तुमने उसका जिक्र इसलिए पता नहीं क्यों नहीं किया. That was तेरे बिन लादेन के dialogues में लिखे थे. Exactly, sorry, my mistake. Yes, बिल्कुल, exactly. तो फिर आप सोचें कि how, मतलब यार हमारे साथ ज्यादती है ना कि हमें इतने खूबसूरत एक. नहीं बेटा, बात सारी वहीं आ जाती है. तुम्हारी generation की बात, तुमको मेरा काम समझ में आएगा. एक particular इलाके के लोगों को नहीं आएगा. कोई बात नहीं. तो आप करते रहे प्लीज, मगर रेटिंग तो वहाँ से आएगी ना. कोई बात नहीं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आप निकालें अपनी वेब पे, अपनी चीज करें, अपना करें. अब देखो क्या होता है, लिखना शुरू किया. और बड़े मजे की बात तुम्हें एक बता दूं जाते जाते, वो ये कि मैंने मेरिन जब्बार, तुम जानती हो. जी जी जी. अच्छा, मेरिन जब्बार जो है उनके साथ मसला ये है कि वो गानों पे और डांसेस पे और आइटम नंबर पे किसी पे बिलीव नहीं करती. वो तो कहती भी आम जिंदगी में कोई गाने थोड़ी गाता फिरता है, तो मैं तो नहीं करूंगी गाने. अब उनको करनी थी मूवी. अच्छा. अब क्या नहीं, लेकिन उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया, अहमद तुम्हारे साथ लिखनी है. मैंने कहा मिमी, एक तो ये कि मैं दुनिया का ठुकराया हुआ राइटर, तुम खुदा का खौफ कर लो, फिल्म चलानी है, बनानी है, लोगों को दिखानी भी है. कहने के नहीं अहमद, बस अब हम और आप मिलके करेंगे. अब मैंने कहा कोई ऐसी कहानी सोची जाए कि मेरिन जब्बार फंस जाएं गानों में और निकल ना पाएं. ओके. तो हाँ. मैंने उनको ऐसी फिल्म लिख के दी है कि अब वो कुछ भी कर लें, उससे नहीं निकल सकती, गानों से नहीं निकल सकती, गाने आने आने. But I'm very happy because we need it. हमें चाहिए भाई, हल्का फुल्का, हमें अपने गाने चाहिए. है ना? मेरा भी ये ख्याल है कि देखो इंडो पाक जो हमारी ऑडियंस है वो भाई आती ही फिल्म देखने के लिए वो वाली है, जिसको डांस भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, सब चाहिए, ह्यूमर भी चाहिए. मैंने ब्रिज की उस तरफ के लोगों को सिनेमा तक लाना है तो मैं वो लिख के दूंगा कि वो सिनेमा पे आए. तो उसमें राबिया तो मेरी जितनी मर्जी खिंचाई लगा देना कि ये क्या हुआ मोहम्मद अहमद, ये कहाँ से आया ये आइटम नंबर बीच में. मगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. आइटम नंबर तो खैर नहीं होगा, मगर ये कि हाँ नहीं, मजे के गाने, डांसेस होंगे, गाने होंगे. इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हम कब उम्मीद कर सकते हैं? दुआ करो कि अल्लाह करे मेरी जब्बार और मोहम्मद अहमद को फाइनेंसेस नहीं मिला करते आसानी से. अब मिल जाएंगे, है ना? तो दुआ करो कि हमें अच्छा सा फाइनेंसर मिल जाए और हम फिल्म कर पाए. बहुत मजे की फिल्म. कोई कास्ट सोची आपने दिमाग में? भाई अभी 3 लोग हमारे जहन में हैं, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है. फिल्म का नाम है मैडम जी. तो उसमें हमें साइमा उस कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा सूट करती हुई लगती हैं, क्योंकि जो एज है और जो हमें चाहिए. तो खुदा करे कि साइमा हो और वो फिल्म बने और मेरी जब्बार उसको बनाए. तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो आपको वो वाली चीज़ देखने को मिल जाएगी जो आप मेरी जब्बार से एक्सपेक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच अहमद साहब, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. बड़े पॉजिटिव पॉइंट पे इंटरव्यू को ख़त्म कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ. मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि अपकमिंग
कुछ महीनों सालों में हमें बड़ा अच्छा कंटेंट, क्योंकि आप लिखना भी दोबारा शुरू करें और महरीन के साथ लिख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई एम श्योर और तुम ये रिव्यूज़ करती रहो, और मुझे भी आज जैसे तुमसे बातें करके बहुत अपने बारे में बहुत पता चला मुझे, इससे पहले नहीं जानता। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी प्रोजेक्ट ऑफ योर्स, एंड प्लीज कीप राइटिंग। थैंक यू सो मच।